सबको गुड मॉर्निंग। तो आ गई हूँ मैं सुबह सुबह टेरेस पर। थोड़ा सा वॉकिंग हो जाने के बाद मैं यहाँ ले रही हूँ जो मैंने ही थोड़ी सी सब्ज़ी लगाई है, तो उसके मैं पत्ते काट लूँगी और सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो आज मेरा मन हुआ ये सब्ज़ी खाने का। ये थोड़ी सी खट्टी वाली है सब्ज़ी, आपने पहले वाले वीडियो में देखा होगा। और उसी के साथ साथ थोड़े से फूल भी मैंने यहाँ लिए हैं भगवान के लिए। तो ये सब्ज़ी और जो प्याज आया है स्प्रिंग ऑनियन, तो वो भी मैंने लगाया हुआ है। और एक मूली सिर्फ मेरे लिए मैंने ली है, क्योंकि मेरा बेटा मूली खाना पसंद नहीं करता, तो मैं मेरे लिए सिर्फ लेके जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड को भी उतनी पसंद नहीं है, वो सिर्फ ककड़ी वगैरह गाजर खा लेते हैं सलाड में। तो मूली मेरे लिए ली और थोड़े से इस तरह से मैं भगवान के लिए फूल ले लूँगी। सभी तरह के फूल खिलते हैं, लेकिन मैं जितने चाहिए उतने फूल लेती हूँ। जो सॉफ्ट वाले होते हैं तो उनको मैं ज़्यादा काटना पसंद करती हूँ। और जैसे जिनिया हुआ या इतर अदर फूल्स होते हैं ना, तो उनको मैं रख देती हूँ, क्योंकि उनका लाइफ ज़्यादा होता है और पेड़ों में बहुत सुंदर दिखते हैं। और उनका लाइफ ज़्यादा होने के कारण दूसरे दिन भी मैं ले सकती हूँ, तो मैं ऐसे वाले फूल ही लेती हूँ जो जल्दी सूख जाते हैं। और यहाँ देखिए मैंने बहुत सारे गमले भर के रखे हैं, आने वाले दिनों में उनको मैं रिपोर्ट करूँगी और अच्छे वाले पौधे जो मेरे पास है वो लगाऊँगी। तो उनको मैंने बहुत अच्छे से मिट्टी तैयार करके पॉट जो मेरे पास खाली थे तो उनको मैंने भर के रखा है। और यहाँ जो है ना छोटे छोटे पौधे निकल भी आए हैं बालसम के, तो उनको थोड़ा सा 5 या 6 इंच के हो जाएंगे, तो मैं उनको ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। और इधर वाले तो आपने देखे होंगे, और भी मेरे पास बहुत सारे खाली डब्बे मतलब पॉट पड़े हैं, तो उनको भी मैं आने वाले दिनों में भरूंगी। और ऑफिस टाइम तो अभी खिला नहीं है, क्योंकि उसका टाइम नहीं हुआ है। वो 10-11 बजे खिल जाते हैं, वो उतना मुझे देखने में मिलते नहीं हैं, क्योंकि मैं उतने बजे नहीं आती हूँ। ये सुपारी का प्लांट बहुत सारे मैंने लगाए हैं, ये जो है बहुत ही रफ होते हैं और उनका लाइफ भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको इस तरह से सुखाइए, पेड़ों में ही सूखना चाहिए। देखिए ये जो सफ़ेद सफ़ेद सा हुआ है ना, वो सूखने लगा है, तो इनको मैं बीज के लिए तैयार करूँगी। और हमारे पौधों हुए या बीज हुए हम खुद तैयार कर सकते हैं, तो तैयार करें। और यहाँ मैंने ऐसे ही बीज लगाए हैं जो मैंने खुद तैयार किए हुए हैं। कैलेंडुला के बीज यहाँ मैंने डाले हुए हैं, तो वो छोटे छोटे पौधे आना शुरू हो जाएंगे, शुरू भी हो गए हैं, तो बड़े हो जाएंगे तो मैं उनको शिफ्ट करूँगी। और बालसम जो है वो 2-3 प्रकार का है, लेकिन लाल में ही मेरे पास बालसम बहुत ज़्यादा है। और ये जो फूल सूखने के बाद इधर बीज आ जाएंगे, कैलेंडुला के केसरी और येलो कलर के फ्लावर है। सदाबहार जो है अभी तो मेरे पास ही एक ही तरह का है, और मेरे पास बीज है जो आने वाले दिनों में मैं लगाऊंगी, और उसके जब फूल आएंगे तो भी मैं आपको उस शेयर करूंगी। मेरे इस तरह के गार्डन के वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं गार्डन के रिलेटेड वीडियो डालती रहती हूँ। तो बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाला वीडियो सबसे ज़्यादा आपको पहले मिल जाएगा। सदाबहार के अगर आपके पास कौन कौन से कलर है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेरे पास तो अभी तो एक ही कलर का है। और एक गेंदा है जो बहुत छोटा सा गेंदा होता है ना, 1000 गेंदा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये भी मैं भगवान के लिए ले लूँगी, क्योंकि ये बहुत आता है मेरे पास, तो उसको एक दूसरा तोड़ भी लूँगी ना, तो कोई बात नहीं।
वैसे भी ये पेड़ अभी इसका लाइफ कम हुआ है, ये जाने वाला है। देखिए इधर बीज भी तैयार हो गया है, और जब पेड़ में ही ये बीज तैयार हो जाते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं। तो इन जो खाली पॉट है ना, इन्हीं में मैं वो पौधे लगाने वाली हूँ। और ये जो गुलाब है, मैंने अभी शाम को उसको लगाया था, क्योंकि ये गुलाब का जो पौधा है वो अच्छे से तरह ग्रो नहीं कर रहा था, क्योंकि इसको धूप नहीं मिली थी। तो अच्छी वाली धूप की जगह मैंने उसको लगा के रखा है। देखेंगे आने वाले दिनों में इसको फूल आएंगे। अभी तो एक छोटी सी कली मुझे दिख रही है, देखेंगे इसका ग्रोथ इधर ज़्यादा होता है या नहीं, क्योंकि मैंने जहाँ लगाया था उधर उसको धूप नहीं मिल रही थी, तो उसको ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। कई ऐसे फूलों के पौधे होते हैं जिनको अच्छी तरह से धूप चाहिए, तभी वो ग्रो होते हैं। चलिए, बाय बाय।